भारत ने पर्थ में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने दो अभ्यास मैचों में एक मैच जीता है और दूसरा हार गया है और अब अपने T20 विश्व कप अभ्यास मैचों के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। वे सोमवार को पर्थ में पहली बार मेजबान और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेंगे। भारत को पहले गेम में 13 अंकों से जीत के बाद दूसरे गेम में 36 अंकों से हार का सामना करना पड़ा। कप्तान रोहित शर्मा किसी भी खेल में नहीं खेले थे, जबकि विराट कोहली दूसरे मैच में खेले थे, हालांकि उन्होंने स्ट्राइक भी नहीं की थी। कई की निगाहें जसप्रीत बुमराह की जगह भारतीय टीम में शामिल हुए मोहम्मद शमी पर भी होंगी। ये दो वार्म अप मैच वास्तव में टूर्नामेंट से पहले प्राप्त होने वाला एकमात्र प्रशिक्षण होगा, जहां वो 2021 T20 विश्व कप के बाद पहली बार T20 मैच खेलेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 विश्व कप अभ्यास मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 वर्ल्ड कप के अभ्यास मैच को स्टार स्पोर्ट्स पर देखा जा सकता है।